हिमाचल लोक निर्माण विभाग जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन की आम सभा निवर्तमान अध्यक्ष प्रेम अमरोटा की अध्यक्षता में आयोजित किए गए, जिसमें प्रदेश भर के सभी जिला के लगभग 350 सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से इंजीनियर प्यारे लाल को चुनाव अधिकारी और चेतराम चौधरी को उप चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया, जिनकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय चुनाव सम्पन्न करवाए गए। हिमाचल लोक निर्माण विभाग जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन की आम सभा निवर्तमान अध्यक्ष प्रेम अमरोट की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश भर के सभी जिलों के लगभग 350 सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में सर्वसहमति से इंजीनियर प्यारे लाल को चुनाव अधिकारी और चेतराम चौधरी को उप चुनाव अधिकारी नियुक्त किया, जिनकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय चुनाव सम्पन्न हुए, जिसमें सर्वसहमति से बिलासपुर के राजेश शर्मा को राज्य प्रधान, शिमला के जेआर कांडा को महासचिव और राजीव चौहान शिमला को वित्त सचिव, गोविंद ठाकुर मंडी को वरिष्ठ उप प्रधान, विजय दीवान हमीरपुर अतिरिक्त महासचिव चुना गया। इस अवसर पर प्रमुख जूनियर इंजीनियर नेता अनूप गौतम भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इससे पूर्व आम सभा ने एक स्वर से एक सर्वसहमत प्रस्ताव में सरकार से मांग की गई सातवां वेतन मान जो जनवरी 2016 से दे है, उसकी तुरंत घोषणा की जाए और इस वर्ष से इस वर्ग की रुकी पड़ी पद्धतियों को शीघ्र किए जाने के आदेश दिए तथा पुरानी पेंशन सुविधा को तुरंत बहाल किए जाए। मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य प्रधान राजीव शर्मा ने कहा कि ये वर्ग दिन रात प्रदेश के विकास प्रगति में सर्वाधिक मेहनत करके अपना विशेष योगदान देता है और कठिन परिस्थितियों में कार्य करके सरकार की योजनाओं और कार्यों को अमली जामा पहनाता है, इसलिए सरकार को भी उनके कार्यों और अथक प्रयासों के लिए उनके हितों की रक्षा करने में आगे आना चाहिए। देखते हैं जैसे जैसे आजकल जो सिस्टम चला हो उसमें तो बड़ी चुनौतियां आ रही हैं और सारा कार जो जो भी काम है वो सारा जेईओ पे ही थोपा जा रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो काम है वो सिस्टमेटिक ढंग से चले। इसके लिए जो हमारे से ऊपर भी ऑफिसर बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो हर काम जो है जेईओ पे नहीं थोपे। आज हम इसके बाद जैसे आज की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद हम एक अपनी कार्यकारिणी की नई कार्यकारिणी बनी है उसकी मीटिंग रखेंगे। उसमें जो भी हमारी डिमांड्स है उनको एक डिमांड चार्टर बना के उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री और अपने जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उनसे मिलेंगे, उनसे अपनी समस्याएं बताएंगे, फिर वो क्या हल उसका बताते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, तो उसके बाद ही हम अपनी अगली कार्य प्रणाली देखेंगे। मुख्य डिमांड तो इस टाइम ऐसा है कि एक तो हमें जो कार्य करने का जो सिस्टम है वो सारा जेईओ पे थोपा जा रहा है, चाहे वो ड्राइंग का कार्य हो या फील्ड का कार्य हो, किसी भी टाइप के एस्टिमेट का कार्य हो, सब काम जो है सिर्फ जेईओ पे ही है, बाकियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो कोई भी काम जो है करें। अगर अच्छा हो जाता है तो ऑफिसर का अच्छा हो गया काम, अगर गलत होता है तो जेई। इसलिए पहले तो हम सबसे पहले यही करेंगे कि अपना एक मीटिंग करके उसमें कार्य जो हमारा डिमांड चार्टर है उसको तैयार करेंगे, उसके ऊपर ही कार्य करेंगे। जी सर बोलिए। हमारी जो पदोन्नति का रुकी पड़ी है वो लगभग अगस्त महीने से जो है हमारे प्रमोशनें नहीं हो रही हैं, तो सबसे पहले तो हम उस पर भी कार्य करें कि हमारी प्रमोशनें क्यों नहीं हो रही, बाकी डिपार्टमेंटों में हो रही हैं। हमारे कुछ लोग जो हैं वो बिना पदोन्नति के ही रिटायर हो रहे हैं, लगभग 25-25 वर्ष की सेवा करने के बाद भी एक पदोन्नति नहीं मिल रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले हमारी जो पदोन्नति वाले जो प्रोसेस रुकी है उसको इसी महीने, हमारी तो ये रहेगी कि इसी महीने के बजाय अगले हफ्ते जो है सब कुछ तैयार है लेकिन ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो पदोन्नति का जो काम है वो होना चाहिए। और दूसरे जो पेट्रोल हमें पंजाब सरकार जो पेट्रोल भत्ता दिया हुआ है वो यहाँ हिमाचल में मिलना चाहिए, क्योंकि भत्ते जो है ये अपने दे रहे हैं और जो पे स्केल है वो पंजाब का फॉलो करते हैं।